हेलो फ्रेंड्स, आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे फ्लावर पॉट पेंटिंग। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है फ्लावर पॉट पेंटिंग के ऊपर, बट ये स्पेशली आप सिर्फ आलू से बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और अगर आपको इस डिज़ाइनर दुपट्टा को पसंद है, ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन नंबर 1, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी आलू के ऊपर, ये आलू पहले थोड़ी सी कट कर लीजिए, इसके ऊपर हमें स्केच पेन से ऐसे आप देख सकते हो रेक्टेंगल ऐसे शेप हमें कट कर लेना है। ध्यान से कीजिए, आपके हाथ पे ना लग जाए और डिज़ाइन के अंदर कुछ कट ना हो जाए। ऐसे हो गई। अब हमारी पॉट को अच्छे से इसको क्लीन करना है। ये मैं एक ड्राई कपड़ा लेके इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि कोई डस्ट ना रहे, क्योंकि इसके ऊपर हमें पेंट करना है। कलर के लिए हमें यूज़ करना है फेबिक्रिल की वाइट एक्रेलिक कलर। ये मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है, हमें कोई बोल या प्लेट में इस कलर को थोड़ी सी ले लेना है। मेरी ये बोतल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसको कलर लेके ब्लॉक को हमें ऐसे प्रेस करना है यहाँ। पहले ऐसे प्रेस करना है सारी जगह जहां पर बॉर्डर है, आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान से करना है, ऐसे टॉप को ऐसे घुमा के कर लीजिए। इसको घुमाते जाइए और इसको ऐसे प्रेस करना है आपको। आप अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे कलर्स हैं मार्केट में, आप अपने पसंद के अनुसार कलर चूज़ कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक नीचे आप देख सकते हैं ऐसे हमें वार्ली कैरेक्टर की फिगर हमें बनानी है, ऐसे थोड़ी गैप देके ऐसे करना है। ये ब्लॉक थोड़ी सी छोटी है इसलिए थोड़ी स्लिप हो रही है हाथ से, अब ध्यान से कीजिए। ऐसे ऑल ओवर कर लेना है। अब हमें इसके हेड बनानी है, इसके लिए हमें क्या करना है, ब्रश से एक छोटी सी सर्कल करना है। अब इसके हैंड्स, इसके नेक, आप चाहे तो गर्ल बना सकते हैं या फिर बॉय मेल कैरेक्टर भी बना सकते हैं। इसके लेग्स, थोड़ी डांसिंग कैरेक्टर टाइप की भी बनानी है, जैसे आपकी पसंद है, ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है। एक्चुअली ये ब्लॉक थोड़ी घूम गई थी इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, और बाकी के सारे भी हमें सेम प्रोसीड्यूर से कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे कलर आपके हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि हाथ से टॉप के ऊपर लग के पूरे एकदम खराब हो सकती है। अब एक मेल कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे ये स्पॉट के अंदर बहुत मिट्टी है, ये थोड़ी हेवी है तो इसलिए मुझे पेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी पॉट थोड़ी उसके अंदर मिट्टी नहीं है तो हल्का होगा तो ज़्यादा आसान होगा। ये थोड़ी हेवी है इसलिए घुमाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको कुर्ती के ऊपर पीलो कवर कुशन कवर के ऊपर डिज़ाइन देखना है, या साड़ी के ऊपर भी दुपट्टा स्टॉल पेंटिंग वॉल पेंटिंग स्विच बोर्ड पेंटिंग ये सब देखना है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ हमें ब्रश की बैक साइड पे आप देख सकते हैं यह छोटी छोटी राउंड शेप हमें बनानी है।
इस पॉट के ऊपर हमें सिर्फ व्हाइट कलर यूज़ करना है, आप चाहे तो फ्लैश टिंट कलर भी यूज़ कर सकते, वो ऑलमोस्ट सेम ही है वाइट की तरह। बट इसके ऊपर मुझे लगा वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ हमें बॉर्डर कर लेना है, इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, आप राउंड ब्रश से भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट ब्रश में यूज़ करती हूँ इससे काम बहुत जल्दी हो जाती है। अब देखिए ये हमारी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई एक पॉट के ऊपर, है ना बहुत खूबसूरत। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और हमें अब करना है नेक्स्ट डिज़ाइन नंबर 2। इसके लिए पहले मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसको कलर कर लिया है और फिर इसको ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं उंगली से ऐसे टच करके, कोई कलर नहीं है, ये अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हमें क्या करना है, आलू के ऊपर ऐसे एक लीप की तरह ऐसे हमें आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। मैं यह स्केच पेन से कर रही हूँ। अब इसको हमें ध्यान से कट कर लेना है। अब ध्यान से कीजिए, ये हाथ पे ना लग जाए, और इसके अंदर कोई भी कट हो जाए तो आपकी पेंट अच्छे से नहीं होगा, ब्लॉक के ऊपर आप ठीक से कलर नहीं लगा सकते, इसलिए ये हमारी ब्लॉक तैयार है। अब हमें फ्लावर के लिए क्या करना है, ये ऐसे हाफ सर्कल की तरह हमें पहले एक शेप करना है। मैं इसके लिए मॉव कलर यूज़ कर रही हूँ। अब प्लेट के ऊपर ऐसे लेमन येलो कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, आप अपने पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ इस वीडियो को। और ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ हमें ऐसे फ्लावर की पत्ती बनानी है ऐसे। अब देख सकते हैं यहाँ ठीक से जहाँ नहीं हुआ कलर, क्योंकि ब्लॉक में ऐसा होता है और हमारी पॉट थोड़ी स्लीपी है तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, इसको आप ब्रश की मदद से फिर से इसके ऊपर कलर लगा दीजिए। अब हमें यहाँ करना है, ये हमें सेम नीचे नहीं करना है, सेम फ्लावर हमें ऊपर की तरह ऐसे देख सकते हैं ऐसे करना है। अब यहाँ भी हमें सेम प्रोसीड्योर से करना है। आप देखिए ये बहुत ही आसान है, आप अपने पॉट के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इस पॉट के अंदर कोई मिट्टी नहीं है, ये एकदम खाली है, तो इसलिए पेंट करना बहुत आसान हो रही है। उस पॉट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो खाली पॉट में ज़्यादा अच्छा होगा पेंट करने के लिए। तो अब हमारी ये फ्लावर तो सारी बन गई, अब हमें क्या करना है, ये ऐसे तो खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हमें इसको और थोड़ी डेकोरेट करना है। इसके लिए हमें यूज़ करना है राउंड ब्रश 0 नंबर की, और कलर के लिए मैं फ्लैश टिंट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। यह मैंने सारे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल की, आप कैमल के भी यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक कलर, वो भी मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अब यहाँ मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, छोटी सी ऊपर और नीचे ऐसे छोटी सी डॉट्स की तरह। अब देखिए कितना आसान है, जैसे हमें ऊपर करना है एक नीचे की बॉर्डर भी हमें सेम करना है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत अच्छा लगता है काम, मतलब उतना अच्छा लगता है जब आप एक लाइक कर देते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। है ना कितना आसान, आप देखिए कितनी खूबसूरत है। Thank you so much for watching this video. Have a very good day. Stay healthy and happy. See you soon. Bye.